प्लस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इमाम ए असर एजुकेशनल एंड वेलफेयर स्टेट नामक एनजीओ द्वारा पटना सिटी के बोली मोड़ स्थित इमाम बाड़ा में गरीब छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था की गई, जहां 9th, 10th और छात्रों को समुचित शिक्षा दी जाएगी। वहीं 10th के छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कक्षा की व्यवस्था की गई है, जहां कक्षाओं के माध्यम से विषयवार तैयारी करने में उन्हें सहायता मिलेगी। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर नसीर अली और मोहम्मद अशफाक इकबाल मौजूद रहे, जहां मोहम्मद अशफाक इकबाल का कहना था कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और छात्र देश के भावी कर्णधार। अगर देश के हर बच्चे को शिक्षित किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में एक होगा। वहीं नसीर अली ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही सराहनीय कदम है। वैसे छात्र जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन छात्रों को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, कोई भी मुल्क और कोई भी समाज उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस समाज में और उस मुल्क में रहने वाला हर बच्चे को तालीम ना मिले। जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी जो अपना ध्येय रखा, ऑब्जेक्टिव रखा है, वो ये है कि भारत को विश्व गुरु बनना है। जो पहले भी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। आपको पता होगा यही बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ दुनिया से लोग आते थे इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि दुनिया की 300 यूनिवर्सिटीज़ में पहली 300 यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमारे यहाँ का हर पैदा होने वाला बच्चा वो इल्म हासिल करे, नॉलेज हासिल करे, तब जा कर के हम जो हमारा जो ध्येय है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाने का। तो ये आज जो एक छोटा सा प्रयास है कि वैसे बच्चे जो किसी आर्थिक तंगी के कारण जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी है, आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मेधावी छात्रों को उनको आगे बढ़ाएं, हर तरह से उनकी मदद करें ताकि वो शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, ऐसा है ना कि जैसा कि मैंने कहा कि ये छोटा सा प्रयास है जो यहाँ के लोगों ने किया है। प्रयास ये है कि जो भी, देखिए, हर का एक जो रिसोर्सेज है कम होता है शुरुआत में, तो हम लोगों ने ये शुरू किया इन लोगों ने कि भाई जितने को हम कर सकते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में लड़के हैं, कोई बहुत रिक्शा पुलर मजदूर के लड़के हैं, वो स्कूल जाना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके पास वो रिसोर्स नहीं है, तो जितना भी हो सकता है। देखिए, शुरुआत 2 से होती है, 2 से 20, 20 से 100, 100 से 1000 में, और लेकिन हर आदमी अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, हर इंसान जो सामर्थ्य है वो अगर एक या दो बच्चों को इस तरह से अडॉप्ट करके आगे बढ़ाए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम अपने अगल बगल के रहने वाले बच्चों को, उनको शिक्षा ग्रहण करने में उनकी मदद कर सकें। और ये प्रयास उसी का एक छोटा सा कदम है, और उम्मीद ये की जाती है कि देखिए हर छोटे कदम से बात बढ़ती है और फिर वो बड़ा कदम होता है। देखिए, शिक्षा अपने आप में जागरूकता है। आप बताएं कोई समाज जो जागरूक। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।